बच्चों के साथ हम लोगों ने क्रिएटिविटी की, हमने इस पैंडेमिक के अंदर और इस कोरोना के अंदर सारे बच्चे स्कूल ऑफ, कहीं बाहर नहीं जा सकते, सारे तफरीहात मुकामात जो हैं वो बंद थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक कम कैपेसिटी के अंदर लिमिटेड लोगों के साथ एक क्रिएटिव काम किया जाए। हमने बच्चों को एक टास्क दिया था कि आप एक डेकोरेटेड पॉट्स बनाइए और उसको प्लांटेड कीजिए। बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त अपनी क्रिएटिविटी को दिखाया, बहुत खूबसूरत पौधे लगाए। वही वाले हालात जो हमारे बचपन में हुआ करते थे कि जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, हमारे पास कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो हम लोग यही पेंट हो गया, गेम्स हो गए, इंडोर और आउटडोर गेम्स ही खेलते थे। लेकिन इस वक्त हमारी वही सिचुएशन है, तो ये वो आर्ट है जिसको आप फालतू या रायगा नहीं करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इसकी डिपार्टमेंट्स बनाती हैं और इसको सपोर्ट करती हैं। ये वो स्किल है कि आज इस स्किल की वजह से आप लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनना ही ज़रूरी नहीं है। अगर आपके बच्चे के अंदर ये सलाहियत है कि वो इस आर्ट को प्यार करता है और अपना आर्ट दिखाता है और बहुत क्रिएटिव है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये ऐसी फील्ड्स हैं कि बड़े बड़े आर्किटेक्ट हों या बड़ी बड़ी जो है वो कंपनीज हो, क्योंकि जो हमारी जो ज़िंदगी है वो आगे बढ़ रही है। मैंने मिरर वर्क का काम और फॉयल वर्क का काम ज़्यादा किया है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है फॉयल वर्क और मिरर वर्क का काम। सो मैंने पॉट के अंदर पेंटिंग के साथ ही फॉयल वर्क और मिरर वर्क को जो है कंबाइन किया था। मेरा पॉट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग उस पर था, क्योंकि मैंने सारी ज्योमेट्रिक शेप्स वगैरह उसमें इंक्लूड की थी और सारा पूरा क्रिएटिव उसका था। मैसेज जी, क्या चाहिए कि बच्चों को इस तरफ आना चाहिए? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये क्रिएटिविटी है और अगर आपसे आप सतर्क करें और इनकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हमेशा रहनी चाहिए उसमें, और बाकी काम तो चलते रहते हैं, तो पॉट्स वगैरह पेंटिंग करना ये सारा और घर में सजाएँ इस तरह। हमारा जो मकसद था इस विंग को बनाने का वो ये था कि वो बच्चे आगे हैं अपनी क्रिएटिविटी, अपना जो भी उनके माइंड में आजकल के हवाले से जो भी कुछ चल रहा है उसको अपनी पेंटिंग के ज़रिए जो है वो आगे लाएं, सबको दिखाएं। और यहाँ देखें इतने प्यारे प्यारे बच्चे इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग करके लाएँ, और माशाल्लाह हर एक का काम एक से बढ़कर एक है। ये पहला हमारा प्रोजेक्ट हुआ है जिसमें हम पॉटरी पेंटिंग, इसमें हमने प्लांट्स भी हमने इनक्रेज किया बच्चों को, ताकि उनको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उन्हें मज़ा आए, उन्हें पता चले कि ये प्लांट्स किस तरह लगाने हैं, उसको पेंट किस तरह करना है, किस तरह खूबसूरत डेकोरेशन पीस हम घर में ख़ुद बना सकते हैं, चाहे ये पुराने पेंट पॉट्स हों चाहे वो नए पॉट्स हों।
बट इसमें हमने फिर अब जब देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि जी बहुत ज़्यादा क्रिएशन नज़र आई। ये कंपटीशन सिर्फ बच्चों के लिए था और कलरफुल कंपटीशन था। आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सा ये पेंटिंग्स आपके सामने नज़र आ रही हैं कि जो बच्चों ने पॉट में बनाई और डिफरेंट इन्होंने थीम दिए, लेकिन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म और ये बच्चों की इस तरह की एक्टिविटी, हेल्थी एक्टिविटी होनी चाहिए। अभी जो पेंडेमिक चल रहा है उसमें ना सारे लोग आइसोलेट हो गए हैं, तो अब वहाँ पे ना ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़, फंक्शंस, ऐसी चीज़ें, इवेंट्स होने चाहिए कि जिसमें ना लोग अपनी क्रिएटिविटी बाहर मतलब शो करें लोगों को कि कितने क्रिएटिव हैं लोग। हमारी टेक्नोलॉजी डे बाई डे डेवलप हो रही है, तो डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, तो ये आर्ट उस इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करता है। तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, छोटी सी काविश थी, छोटी सी एक इनिशिएटिव था, छोटा सा एक स्टेप था, इसको सपोर्ट करें और हमारे अपकमिंग इवेंट्स में भी आप सब लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।